नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे बॉम्बे जेसीबी गैराज में। तो जैसा कि आज के वीडियो में आपको हम स्टेबलाइजर सिलेंडर की जो सील किट होती है आज डालना सिखाएंगे, कैसे फिट किया जाता है सील। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। ये हमारा सिलेंडर खोला गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सिलेंडर को अच्छे से खोला गया है। ये देखिए हमारा प्रेस मशीन के ऊपर टाइट किया जा रहा है, ये टाइट हो गया। तो इस ऑलरेडी खोल चुके थे तो ये सील डाली जा रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को भगाए नहीं, आराम से देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो को स्किप करके बनाया गया है। आप सावधानी से नहीं देखेंगे तो नहीं सीख सकते हैं, इसलिए सावधानी से देखिए और अच्छे से सीखिए। जैसे कि देख रहे हैं सील को अच्छे से बैठाया जा रहा है, इसको फिट किया जा रहा है। ऑलरेडी वीडियो को हमने भगा कर बनाया है, इसलिए काम तेज हो रहा है फटाफट। ये देखिए हमारी सील को फिट किया जा रहा है। आपको कोई भी मशीन का कोई भी सील आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब वीडियो के अंत में हमारा विजिटिंग कार्ड आपको दिखाई देगा, जिससे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये देखिए हमारा ये ऊपर की ओरिंग और ये पट्टी, ये अभी डाला जाएगा पट्टी भी, ओरिंग डाला जा रहा है, अच्छे से फिट किया जा रहा है। कोई भी मशीन हो आपके पास, अगर सामान चाहिए आपको, सभी पार्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, आपको एक उचित रेट में अवेलेबल पार्ट प्राप्त हो जाएंगे। आप इंडिया से कहीं भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो भी नया वीडियो होगा आपको तुरंत अपडेट मिलेगा, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल का मैसेज पे आएगा, आप तुरंत पता चलेगा आपको एप्लीकेशन मैसेज के द्वारा। ये देखिए अच्छे से इसको टाइट किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में। कोई भी सामान हो, कुछ भी हो, आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा सामान ऑल इंडिया में जाता है, लोग हमें ऑर्डर करते हैं, हम उनको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान भेज देते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसे अच्छे से टाइट किया जा रहा है। ये जेसीबी 3DX का स्टेबलाइजर सिलेंडर की सील किट डाली गई है इसमें, जेसीबी 3DX है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा यूपी प्रयागराज का बॉम्बे जेसीबी गैराज बेस्ट गैराज है। कोई भी समस्या के लिए आप मशीन को भी लाके बनवा सकते हैं, एक अच्छे रेट में बन जाएगी और अच्छा से अच्छा काम होता है। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं इस प्रकार इसको अच्छे से टाइट किया जा रहा है। जेसीबी 3DX का हो, कैट मशीन हो या कैश मशीन हो, महिंद्रा मशीन हो, बुल मशीन हो, टैरेक्स मशीन हो, सभी जेसीबी का, सभी मशीन का सामान हमारे यहाँ उपलब्ध है, आप अच्छे दाम में प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मशीन में कोई भी खराबी है, कोई भी पार्ट खराब है, यदि आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे गैराज पर भेज सकते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि ऑल इंडिया से सामान हमारे यहाँ बनने के लिए आते हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं इसे अच्छे से टाइट किया जा रहा है। किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो के अंत में आपको हमारा विजिटिंग कार्ड दिखाई देगा, जिससे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए हमारा अच्छे से टाइट हो गया पिस्टन, ये हमारा पाना को हटाया गया, अब हम इसको ट्यूब के अंदर सेट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये इसकी जो ऊपर की पट्टी है इसको काट कर निकाला जा रहा है, ओरिंग भी निकाला जाएगा, इसके नीचे एक ओरिंग रहती है। ये देखिए पट्टी को काट दिया गया है, ये ओरिंग है, ओरिंग को काटा जा रहा है,
इस प्रकार ओरिंग को भी काट कर निकाला जा रहा है। ये देखिए निकल गई। अब इसके बदले हमारी दूसरी ओरिंग, ये पहले इसके ग्रुप जो हैं सही किए जा रहे हैं, इसके ग्रुप ठीक किए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। ये हमारा एलेंकी है, एक एलेंकी रहती है, उसको टाइट करना होता है। इस प्रकार एलेंकी को अच्छे से टाइट किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। कोई भी समस्या के लिए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपको जेसीबी से संबंधित, आप हमें कमेंट कीजिए या हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये देखिए अच्छे से टाइट किया जा रहा है, ये हमारा लॉक लगाया जा रहा है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। ये देखिए लॉक को अच्छे से फंसाया जा रहा है, ये इस तरीके से लॉक को फिट किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। ये हमारा लॉक अच्छे से लग गया, जैसा कि आपको दिखाई देता होगा। इसको अच्छे से थोड़ा सा ठोंक कर बैठाया गया। अब ये देखिए ओरिंग लगाई जा रही है, इसका लगाने का तरीका ऐसे ही होता है। ये ओरिंग हमारी अच्छे से लग गई, अब इसके ऊपर की जो पट्टी है वो भी लगाया जाएगा। ये देखिए अच्छे से लगाया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए अच्छे से लगाया जा रहा है, ये अच्छे से हो गया, ठीक है, फिट है। ये ऊपर की अलग जो पट्टी है इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, एक फेस इसका सामने होता है, इसके बैक साइड में एक फेस होता है। अच्छे से लगा दिया गया है। ये देखिए हमारी ग्रीस लगाई जा रही है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें ग्रीस लगाया जा रहा है अच्छे से। ये अपन ट्यूब को प्रेस मशीन के ऊपर टाइट किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। ये अच्छे से टाइट हो गया। अब ये रॉड जो होता है ये सिलेंडर के अंदर डाला जाएगा, ये ट्यूब के अंदर फिट किया जाएगा। ये देखिए अच्छे से इसको फिट किया जा रहा है। अब इसको ये टाइट किया जाएगा, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। ये हमारा ये पाना की सहायता से इसको टाइट किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिए। कोई भी जानकारी के लिए अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। जैसे भी से संबंधित जानकारी जिसको चाहिए, आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, जैसा कि सभी को इसका नॉलेज मिले। आप सावधानी पूर्वक अच्छे से देखकर सीख सकते हैं और ये छोटे मोटे काम आप खुद से ही कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से टाइट कर दिया गया। अब इसका लॉक फंसा दिया गया, थोड़ा सा लॉक हल्का सा मार दिया गया हथौड़ी से। ये देखिए अब इसको चेक किया जा रहा है, अच्छे से चेक किया जा रहा है। इस प्रकार सिलेंडर कंप्लीट हो गया। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारा ये विजिटिंग कार्ड है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।